नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ातरीन खबर पर एक नज़र। बबीना में पिछले दिनों पूर्व भाजपा नेता ज्ञानचंद जैन से हुई समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव की शिष्टाचार मुलाकात के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब ज्ञानचंद जैन अपने पूरे समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होंगे। इसी सिलसिले में सपा नेताओं का ज्ञानचंद जैन और उनके समर्थकों से मेल मुलाकात तथा बैठकें शुरू हो गई हैं। आज बबीना पहुंचे सपा युवा नेता इंजीनियर यशपाल सिंह यादव ने पूर्व भाजपा युवा नेता शैलेश से भरे सोनू से उनके निवास शास्त्री नगर में जाकर मुलाकात की, जहां शैलेश से भरे सोनू व उनके समर्थकों ने इंजीनियर यशपाल सिंह यादव को फूल मालाएँ पहनाकर उनका स्वागत किया और समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। इस अवसर पर इंजीनियर यशपाल सिंह यादव को शास्त्री नगर के लोगों ने पेयजल की समस्या तथा बिजली की समस्या से अवगत कराया, जिस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यशपाल सिंह ने शीघ्र पेयजल समस्या का समाधान करने की बात कही। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर क्या कहा यशपाल सिंह यादव ने। मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आज शास्त्री नगर में समाजवादी पार्टी के युवा नेता यशपाल सिंह जी उपस्थित हुए हैं शैलेश से भरे सोनू के निवास पर। मैं आपको बता दूं कि शैलेश सोनू से भरे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में रहा करते थे, लेकिन पार्टी की गतिविधियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया है और समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज यशपाल भैया का यहाँ आगमन हुआ है, तो यहाँ आने के बाद शास्त्री नगर के लोगों ने उन्हें अपनी काफ़ी समस्याओं से अवगत कराया है। तो यशपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो यहां के लोगों ने आपको यहां पानी की समस्या से अवगत कराया और बिजली की समस्या से अवगत कराया, तो आपकी सरकार आने के बाद आप किस तरीके से यहां इस समस्या को सॉर्ट आउट करेंगे? नमस्कार। जैसे कि सोनू जी ने और उनके सभी साथियों ने पानी की और बिजली की समस्या के बारे में बताया, तो ये हमारी बुनियादी समस्याएं हैं जिन पे काम नहीं हुआ पिछले कई सालों से, जिसका नतीजा है कि ना यहाँ पानी आ रहा है ना बिजली आ रही है। तो हमारा प्रयास रहेगा, पहले हम पानी की व्यवस्था यहाँ पे अभी जल्दी से जल्दी कराएं और जल निगम में हम बात करेंगे ताकि यहाँ पे जल व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो सके और जो भी समस्याएं हैं, और बिजली के लिए भी हम लाइन नगर से जोड़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे, और अगर हम सत्ता में आते हैं फिर तो ये सारे काम हम लोग प्राथमिकता पर करवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अभी इन लोगों को राहत मिले इसके लिए इस काम को हम अभी से शुरू करेंगे। अभी दो तीन दिन पहले आपके पिताजी आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी भी यहाँ पर आए थे बबीना में, और उन्होंने यहाँ के एक कद्दावर नेता हैं बबीना के ज्ञानचंद जैन, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने टिकट ना देते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। तो उनके साथ भी आपके पिताजी की एक शिष्टाचार मीटिंग यहाँ पर हुई है, तो उसको हम क्या समझें, मतलब वो क्या समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर वो ज्वाइन करते हैं तो जो सम्मान हर व्यक्ति चाहता है क्या वो उन्हें मिलेगा उसमें? जी, हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ज्ञानचंद जैन जी जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और रही बात सम्मान की, तो जो सम्मान की अपेक्षा वो भाजपा में कर रहे थे उससे कहीं गुना ज़्यादा सम्मान हम लोग उनको यहाँ पे देंगे, और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं। संस्था क्या होती है? संस्था में जैसे लोग होते हैं वैसी संस्था होती है, तो अगर आप लोग आज जुड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी में आगे काम करने के लिए नए रास्ते खुलेंगे, और क्योंकि वो नगर से हैं तो नगर में हम लोग मजबूत होंगे और नगर की समस्याओं का हम लोग सही रूप से निदान कर पाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे बबीना विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी सम्मानित जनता से यही कहना चाहूँगा कि आने वाला समय आप लोगों का है, आप लोगों का चुनाव है, आप लोगों को अपने सेवक का चुनाव करना है, प्रदेश की सरकार का चुनाव करना है, तो इसलिए पूरी जिम्मेदारी से विकास को सर्वोपरि रखते हुए सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि सिर्फ और सिर्फ विकास को सर्वोपरि रखते हुए व्यक्ति का और सरकार का चुनाव करें। लखीमपुर खीरी में जो कांड अभी हुआ है किसानों के साथ, और सरकार के मंत्री के बेटे ने ये कांड किया है,
तो इसमें समाजवादी पार्टी कहाँ तक उन किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है? देखिए, हम लोग तो पूर्णतः प्रयासरत हैं। पूरे प्रदेश में हम लोगों ने धरने किए। आदरणीय अखिलेश यादव जी वहाँ जा भी रहे थे, लेकिन उनको घर में नज़रबंद कर दिया गया। अब वो जा रहे हैं वहाँ पे, उनसे मिल भी रहे हैं। तो उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम एक एक समाजवादी कार्यकर्ता बिल्कुल लगा हुआ है। और ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। लोग अगर विरोध कर भी रहे थे, मंत्री अगर आ रहे थे, तो ये लोकतंत्र है, यहाँ पे लोगों को विरोध करने का अधिकार है। लोग अपनी बात नेता से नहीं कहेंगे या अपने चुनी हुई सरकार से नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे? चाहे वो विरोध के रूप में कहें, चाहे हर व्यक्ति तो सराहना नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो वो बोलेगा, लेकिन उनके विरोध को इतना पर्सनली ले लेना, इतना वो कर लेना कि लोगों पर गाड़ी चढ़ा देना, ये बहुत ही मतलब शर्मनाक हरकत है। इससे हमारा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। पूरी दुनिया में हमारा हमें देख रही है, और भारत का इतना बड़ा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन ये बहुत ही ऊंची हरकत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए हैं, जनता को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। और मान लीजिए कि किसी एक नेता ने ऐसी हरकत की भी, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता का साथ दे, ना कि अपने नेता को बचाने के में साथ दे। एक तो लोग न्याय मांग रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा, ऊपर से उनकी आवाज़ भी दबाई जा रही है। तो ये लोग अहंकार में आ चुके हैं, अहंकारी सरकार है और जनता ही इनको बदलेगी। शैलेश से भरे सोनू से मुलाकात के बाद इंजीनियर यशपाल सिंह यादव सीधे भाजपा के पूर्व नेता ज्ञानचंद जैन के निवास स्थान पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने ज्ञानचंद से भी शिष्टाचार मुलाकात करते हुए समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का आग्रह किया, जिस पर ज्ञानचंद जैन ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का पूरी तरह से संकेत उन्हें दे दिया। इस अवसर पर उनके साथ समाजवादी पार्टी बबीना के विधानसभा अध्यक्ष हरदयाल फौजी और सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी शरण यादव भी मौजूद रहे। ज्ञानचंद जैन जी के निवास पर, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष थे और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से अलग होने का मन बना लिया है, क्योंकि पिछली बार इनसे जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी ने भी मुलाकात की थी, और आज चंद्रपाल सिंह जी के पुत्र इंजीनियर यशपाल सिंह जी यहां पर आए हुए हैं उनसे एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए। इससे पूर्व यशपाल जी ने बबीना में और भी कई जगहों पर जाकर के लोगों से मुलाकात की, अब वो ज्ञानचंद जैन जी के निवास पर बैठे हैं। तो ज्ञानचंद जैन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लगातार आपसे समाजवादी पार्टी के लोगों की मुलाकात हो रही है, तो इसका क्या संकेत समझे हम कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, और समाजवादी पार्टी के लिए काम करूँगा, यशपाल भैया को जिताने के लिए पूरा प्रयास करूँगा और पूरी ताकत के साथ उनके साथ रहूँगा। पिछली बार जब डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव आपके घर पर आए थे तो उनसे आपकी क्या बातचीत हुई थी, और आज यशपाल जी आए हुए हैं तो इनसे आपकी क्या बातचीत हुई है, बताएंगे कुछ? नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। शिष्टाचार भेंट आप खुद ही कह रहे हो, तो शिष्टाचार भेंट हुई है, उस दिन भी हुई, आज भी हो रही है, राजनीतिक कोई बात इसमें नहीं है। लेकिन पार्टी कुछ दिनों में ज्वाइन करेंगे और उसके बाद पार्टी के लिए पूरा काम करेंगे। स्वामी शरण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, वे भी इस समय ज्ञानचंद जैन जी के निवास पर यशपाल जी सिंह जी के साथ मौजूद हैं। तो चूंकि आप लोकल के हैं, बबीना प्रॉपर के हैं और ज्ञानचंद जैन जी भी प्रॉपर के हैं, तो इनके समाजवादी पार्टी में आने से समाजवादी पार्टी को क्या फ़ायदा होगा और आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं? ज्ञानचंद जैन जी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर हमें ज़मीनी स्तर पर इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो ज़मीनी आदमी हैं। मैंने अपने शुरू से ही 40 साल के करियर में देखा है, जबकि मैं कैंट बोर्ड का जो है मेंबर और चेयरमैन भी रहा हूं, उस समय पर भी ज्ञानचंद जी का मैंने एक बहुत अच्छा रोल पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं ये बीजेपी के लिए। लेकिन वहां से बीजेपी से शिफ्ट होकर के हमारे साथ जब ये आ रहे हैं तो हमें इनका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और ये ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। जैसा कि इनका भारतीय जनता पार्टी में जो कद था, क्या वो कद जो है समाजवादी पार्टी में भी बरकरार रहेगा अथवा नहीं? हम उनका जो है प्रयास पूरा ये करेंगे कि उनको जो कद भाजपा में था इनका, उससे भी बड़ा पद इनको दिया जाए, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल आप निश्चित कर रहे हैं, इतना हम लोग समझते हैं कि जो जिस लेवल का हो कम से कम उसके बराबर ना सही तो उसको कम से कम थोड़ा ज़्यादा दिया जाए। जैसा कि हमें हमारे सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई है
कि इनकी पूरी टीम जो इनके साथ है 250-200 लोगों की, और इनका जो समाज जैन समाज प्लस बीजेपी में इनके पीछे जो कार्यकर्ता इनकी टीम है वो इनके साथ सभी लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जैसा सम्मान पार्टी में इन्हें मिलेगा वैसा ही उनको मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा, जैन साहब के साथ उनके सभी साथियों का सम्मान भी उसी प्रकार से मिलेगा, बल्कि जो हम लोग पुराने जो हैं उनसे भी ज़्यादा सम्मान उन लोगों को दिया जाएगा, पूरा सम्मान, क्योंकि सम्मान का हर एक आदमी भूखा है, कोई जो है वैसे नहीं है, सम्मान सब चाहते हैं, सम्मान उनको बराबर दिया जाएगा। इसके पश्चात संघई नरेंद्र जैन, कल्लू जैन, अरविंद जैन, सनत जैन के पिता एवं अमित जैन मंची के दादाजी, जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति संघई ताराचंद्र जी जैन कक्का के निधन होने पर उनके घर जाकर परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की एवं पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान अंकित रावत अध्यक्ष सपा, अभिषेक जैन पत्रकार, गोलू यादव, अरुण यादव, विक्की जैन, अंकुर जैन, रोहित सैन, आकाश जैन अक्की, हर्ष यादव, मास जैन, संजीव विश्वकर्मा, अनिल सभरे, दयाशंकर सभरे, आनंद वर्मा, अरुण साहू, अनूप यादव, मोनू यादव, बफाती बबलू खान, महेश झा, मनीष जल निगम, शैलेंद्र वर्मा, शुभम नायक, कपिल यादव, मनोज सिमरिया, मंची जैन आदि मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रधान संपादक मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन